हेलो एवरीवन, आज है 14 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IRCTC के बारे में। देखिए, रेलवे का सबसे दमदार स्टॉक है ये और अपने सेक्टर का इकलौता शेयर है। इसका कंपटीटर कोई नहीं, कोई इसका कंपटीटर नहीं है। हालांकि शेयर 1,290 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो कोरोना के चलते इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई थी, बाद में इसने बाउंस बैक भी कर लिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अब इसमें खरीदारी का ऑप्शन है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है IRCTC का, वो 1,290 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इसमें 5% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि 1,228 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर रहा था, गिरावट आई, 815 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ता गया और 1,290 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भैया आईपीओ इसका जस्ट अभी आया था। पिछले साल 10वें महीने में इसका आईपीओ आया था, 728 रुपए के आसपास शेयर लॉन्च हुआ था। उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक किया, 1,950 रुपए तक शेयर गया, लेकिन बाद में कोरोना के चलते बहुत बड़ी गिरावट भी आ गई। देखिए, बहुत ज्यादा दूर की भी बात नहीं है, फरवरी महीने की 26 तारीख को ये शेयर 1,950 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फरवरी महीने की 26 तारीख को। और एक ही महीने में, अप्रैल महीने की तीसरी तारीख को, सॉरी मार्च महीने की तीसरी, मार्च महीने की 25 तारीख को, मुश्किल से हुए होंगे भैया 27 दिन, 27-28 दिन हुए होंगे और शेयर सीधा आधा टूट गया। यहाँ पर 1,950 रुपए का शेयर 27 दिन में ही 815 रुपए पर आ गया, लेकिन बाद में बाउंस बैक कर लिया अभी और काफी ऊपर की तरफ जरूर जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भैया इसका NSE में वॉल्यूम ट्रेड 37 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर के पास 87.40% की होल्डिंग है, FIs के पास 1.99% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.78% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.07% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 15 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 21 FIIs ने पैसा लगाया है, और जैसे कि मैंने कहा भैया सरकारी स्टॉक है रेलवे का, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा होल्डिंग यहाँ पर रखते हैं 87.40%। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 3.98% देखने को मिली है। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी शेयर लॉन्च हुआ है। IRCTC मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म की अगर हम बात करने जाए तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है इनकी, अभी भी टेक्निकल रेटिंग अच्छी है। यहाँ पर देखिए PE 48 का है, इंडस्ट्री PE 40 का है, बुक वैल्यू 66 है, प्राइस टू बुक 19.36 है, 76 के आसपास का डिविडेंड देखने को मिल रहा है, 26 का EPS है, डिलीवरी 100, अरे बाप रे 100% की डिलीवरी है भैया यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 76% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर बात करें भैया, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, बढ़िया स्टॉक है, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं। फंडामेंटली देखने जाए तो काफी दमदार ये स्टॉक है। दिसंबर क्वार्टर में 206 करोड़ का मुनाफा हुआ था इनको, सितंबर क्वार्टर में 100 करोड़, जून क्वार्टर में 72 करोड़, मार्च क्वार्टर में 50 करोड़। तो भैया पिछले एक साल का अगर हम देखने जाए, मतलब पिछले 4 क्वार्टर्स को देखें, तो क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़िया ग्रोथ इसने किया है, क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन अभी क्या है, अभी सिचुएशन ये है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले भी समझाने की कोशिश की कि भैया देख सकते हैं आपके शेयर 1,000, सॉरी यहाँ पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो 1,950 रुपये का शेयर कैसे एक ही झटके में 815 रुपये पर आ गया, जब पता चला कि भैया लॉकडाउन है। लॉकडाउन की जैसे ही चीजें सामने आने लगी तो उसके बाद शेयर में गिरावट आना शुरू हो। हालांकि लॉकडाउन की नहीं, कोरोना की जैसे सिचुएशन सामने आई और ट्रेन और रेलवे सब बंद होने की, सबको पता था कि भैया बंद हो सकती है और कोरोना के चलते बहुत बड़ा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, तब गिरावट आई। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ था शेयर में और ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल गई। तो अभी अगर हम बात करने जाए कि भैया खरीदारी करें कि नहीं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है और एक्सटेंड होने की वजह से इनका बिजनेस और ज्यादा अफेक्ट हुआ है। दूसरी बात ये कि रेलवे में आप अगर टिकट बुकिंग भी करने जा रहे हो या फिर आप कोई टिकट बुक भी करते हो, तो भैया 3 मई से पहले की कोई टिकट आप बुक नहीं कर सकते हो,
3 मई के पहले से कोई टिकट आप बुक नहीं कर सकते हो, मतलब आज रेलवे तो 3 मई से पहले शुरू नहीं होने वाली, ये कंफर्म है। दूसरी बात, 3 मई के बाद भी शुरू होगी कि नहीं वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि डेफिनेटली जिस तेजी से इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा कहने बहुत जल्दबाजी होगी कि भैया 3 मई के बाद वापस से सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, वापस से शहर दौड़ने लगेगा, जी नहीं, कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, खास करके रेलवे के लिए। रेलवे में क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं तो भैया रेलवे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका हो और एक एरिया कह सकते हैं हम, खास करके इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कोई रिस्क लेगी 3 महीने के बाद भी, जब तक सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं होते, जब तक सारी सिचुएशन अच्छी नहीं होती। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि भैया IRCTC के शहर में खरीदारी करने में जल्दबाजी मत करिएगा। अगर आप सोचेंगे कि भैया सस्ता शहर है, तो याद रखें कल जब मार्केट खुलेगा इसके शहर में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगेन मैं कह रहा हूँ IRCTC शहर, देखिए फंडामेंटली बहुत ही दमदार स्टॉक है ये, अपने सेक्टर का लीडिंग इकलौता शहर है भाई, इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, भैया कौन है इसका कॉम्पिटिशन इंडिया में, तो भैया इनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो डेफिनेटली ये शहर ग्रो करेगा, लेकिन कब, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तब। अभी के सिचुएशन में कुछ भी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिए खरीदारी करने के लिए। शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग जरूर है, लेकिन गिरावट अभी आने वाली है इसमें भी, तो और सस्ता मिल सकता है आपको ये शेयर, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और IRCTC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।